पार्टी में गया था उनके घर में, वो वहीं पे पार्टी कर रहे थे, उसमें आपस में खाते पीते उनके आपस में कुछ बात हुई है, वहीं पे उन्होंने लड़ाई झगड़ा हुआ। एक बार भी आया पुलिस, 7 दिन की मैं उसके साथ में बैठे हुए दिन रात हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला। कब पकड़ेंगे, कब पकड़ना है? आज 7-8 दिन हो गए इनके पास, हर कैमरे की पूरी फोटो वो है, कॉपी है, इनको पकड़ने नहीं हुआ। उसका मर्डर किया वो दोस्त वगैरह तो नहीं थे? कुछ नहीं थे हमारे, हम जानते भी नहीं थे, वो इनके ही हैं, जो इनके ही है, जो पार्टी वाले के घर गए उनके होंगे रिश्तेदार, हमारे कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल जो मॉर्चरी है उसके बाहर हूं। यहां की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप तस्वीरें देखें, यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। क्या कारण है इसके पीछे का मैं आपको बताऊँ, एक मर्डर किया गया है जो लोगों ने आरोप लगाया है, और जहाँ पुलिस वालों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मर्डर ही है। और जिस लड़के का मर्डर किया गया संडे को, पिछले संडे को, उसका नाम है मोहम्मद सारिक, उम्र 35 साल, और एक पार्टी में उसके शायद दोस्त थे, कौन थे ये तो लोग ही बताएंगे यहाँ पर, लेकिन उसको बुलाया गया था और वहाँ पर उसको मार दिया गया। उसके बाद वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था, लेकिन सुबह आज उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर लोगों में रोष है, और वो ये कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों का जो काम था वो सही से कर नहीं रहे। लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा माजरा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमनदीप सिंह। अच्छा, ये जो मर्डर हुआ उसकी थोड़ी सी जानकारी हमें दें कि कहां से कैसे आपको को जानकारी मिली और क्या है इसके पीछे पूरी घटना, क्या है ये? हमें यही, उन यहाँ पे अपना भगवती नगर में कोई विनीत नाम का लड़का है, उनके घर में पार्टी थी कोई, उन्होंने बुलाया इसको पार्टी में, पार्टी में बुला के उन्होंने उधर इनके खाया पिया हुआ इकट्ठे सामने बैठ के, जैसे सारे बैठते हैं वहीं, खाने पीने के बाद आपस में कुछ हुई है बात, और इन्होंने मारा उसको वहाँ पे। ये पहले से एक दूसरे को जानते थे? कौन? ये जो जिस लड़के को उन्होंने बुलाया था वो ये पहले से जानते थे? पहले से जानते थे, जानते थे, तो बुलाया, ऐसे कैसे बुलाया उन्होंने? कोई लड़ाई झगड़ा पहले कोई आपने सुना है इनकी, कोई रंजिश नहीं सुना ऐसे? पहले हमने कुछ नहीं सुना, बस उधर ही जो भी हुआ उसके घर में ही हुआ, जो भी हुआ वहीं पे उसका उन्होंने मारा, 2-3 लड़के थे जिन्होंने मारा वहीं पे मारा। उस लड़कों के बारे में बता सकते हैं कौन लड़के हैं वो? वो मुझे नहीं पता कौन थे कौन नहीं है। अच्छा, इतना पता है कि पार्टी में गया था, उसको बुलाया पार्टी में गया था उनके घर में, वो वहीं पे पार्टी कर रहे थे, उसमें आपस में ही खाते पीते उनके आपस में कुछ बात हुई है, वहीं पर उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में। लड़के कौन थे वो मुझे नहीं पता। आज सुबह उन्होंने उस लड़के ने उसकी डेथ हो गई? अब सुबह 7:45 बजे डेथ हुई है उसकी जी, उसको काफ़ी लगी हुई थी, यहाँ से क्रचे मारी गई हैं उसको, लीवर में लगी थी, अंदर भी लगी थी, मतलब काफ़ी, काफ़ी 2-4 लोग थे वहाँ मारने वाले? हाँ, तीन से चार लोग थे मारने वाले। अभी तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा नहीं है? कुछ नहीं, अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, कुछ नहीं पता पुलिस वालों को कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये हम पुलिस वालों के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो उनके फैमिली वाले हैं, महिलाएँ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस विषय पर। अच्छा मैम, आप बोलें, थोड़ा सा बोलो, मैं बार बार बोली, चलो बोली, चलो आपको क्या लग रहा है पुलिस वाले इन्वॉल्व है इसमें? हाँ, सामने हमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है, आज 10 दिन आ गई है। क्या हमें डॉक्टर के पास भी आ सकते थे, उसकी रिपोर्ट भी ले सकते थे, कैसे पेशेंट देखना चाहिए था ना उनको? एक बार भी आया पुलिस, 7 दिन की मैं उसके साथ में बैठे हुए दिन रात हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला अभी तक। आज मिली है पुलिस, आज आ गई है, आज टाइम हो गया इनके पास, ऐसे वो उधर से ही फोन कर देते थे, अभी तक नहीं मिल रहे हैं, आज मिल गए हैं वो। मैंने पुलिस वाले से अभी बात की तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ये मर्डर है, हम पकड़ेंगे उनको। आपको लग रहा है कि पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे, कब पकड़ना है? आज 7-8 दिन हो गए इनके पास, हर कैमरे की पूरी फोटो वो है, कॉपी है, इनको पकड़ने नहीं हुआ। किस चीज की है पुलिस है, इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, ये कोई मर्डर है, कोई छोटा मोटा केस तो नहीं है ना?
अगर ऐसा कुछ नहीं चला तो ऐसा हाल जम्मू में नहीं होए, इसीलिए इनके जेबे हो जाते हैं गर्म, वो माँ में बहने रह जाती है रोती, इनको क्या है, इनके जेबे गर्म हो जाते हैं, बस वही गिनती करते हैं इतने हो गए हैं इतने और आएंगे, बस यही हाल है इनका। लड़कों ने उसका मर्डर किया, वो दोस्त वगैरह तो नहीं थे? कुछ नहीं थे हमारे, हम जानते भी नहीं थे, वो इनके ही हैं, जो इनके ही है, जो पार्टी वाले के घर गए उनके होंगे रिश्तेदार, हमारे कुछ नहीं है वो। अच्छा, हाँ हमें जस्टिस चाहिए, आज हमें वो बंदे चाहिए, जब तक हमें वो बंदे नहीं मिलेंगे हम जनाजा नहीं करेंगे, हमें वो बंदे चाहिए ही चाहिए। 7 दिन जहाँ पे रुके हैं ना, 7 दिन हमें चौक में रुकना पड़ेगा, लेकिन उनको हम लाएंगे, अभी हमने लाना ना, ये तो लाए 8 दिन में नहीं लाया, हम लाएंगे उनको, देखना कैसे। 7-8 दिन हो गए, इनसे कुछ नहीं हुआ, अब हम खुद करेंगे जो करना होगा, हम खुद लाएंगे तो देख लिया। अगर ये मेरे भाई उनकी फैमिली नहीं था, हमें ये ही पूछेंगे इनका हाल क्या है, ऐसे कहाँ कहाँ से आए हैं हमारे गेस्ट, पता करने के लिए उनको, इनके पास इधर से टाइम नहीं था। नहीं, आप पुलिस वालों के पास गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं? मेरा भाई जाता था डेली, दूसरा भाई, क्यों नहीं जाते थे हम? हाँ, आपको क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोलते, बस अभी ढूंढ रहे हैं, इधर गई है, जम्मू में है, अभी बाहर नहीं गए हैं, जम्मू में ही है, तो फिर जम्मू में जे पास नहीं पाते, अभी तक नहीं ढूंढ पाते हैं, अभी कौन सी बात है। तो आप ये देखें, ये पुलिस वालों पर सीधा सीधा आरोप, सामने गलती है इनकी, पुलिस वालों की गलती, ये सभी मिले हुए हैं और हमारे भाई की जान ले ली है। आपको लग रहा है पैसे खाए हैं पुलिस वालों? क्यों नहीं खाए हैं, ऐसे क्यों नहीं ढूंढते हैं, हमें नहीं है, हमारे भी भाई पुलिस में है, ऐसी कोई बात नहीं, देवर पुलिस में है, क्यों नहीं खाए, हमारा भी परिवार पुलिस में है, लेकिन वो ऐसे चोर गोड़े हैं। एक बात पुलिस वालों के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि बेकसूर, आजकल पत्रकारों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, और गलती ना हो तो एक्शन ऐसे करते हैं कि जैसे इसी वक्त ये जो पत्रकार हैं ये इतने बड़े क्रिमिनल, इनको अभी पकड़ो, लेकिन जो जिनको पकड़ना है, जिनको गिरफ्तार करना, उनको तो छोड़ के घूम रहे हैं कि नहीं अभी जम्मू में, इस तरह के आरोप हमें लगता है कि ये निंदनीय है। एक बार आप यहाँ के मेरा भाई उधर हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करवा रहा है और पुलिस में भी बुला रहे हैं बार बार, वो जा रहा था, क्यों नहीं गए हैं उनके पास, गए हैं हम सभी, नहीं अभी आ रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं, उधर बैठे हुए कुर्सी पे तो नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी बताए ना हमें कौन भेजा था ढूंढने के लिए, वो सामने करे जो ढूंढने के लिए गए। तो पैसे खाने का आरोप है। एक बार यहाँ के दृश्य देखें, आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो है पुलिस को जो काम करना चाहिए था, जो उनका दायित्व था, वो ठीक से कर नहीं रहे, और जब तक पुलिस काम नहीं करती, उन लोगों को नहीं पकड़ कर लाती जिन्होंने इस लड़के का मर्डर किया, तब तक जनाजा नहीं निकलेगा। बहुत गुस्से में, और पुलिस पर अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं, हमें लगता है कि पुलिस को ऐसे मामलों में सबसे पहले कार्य करना चाहिए, लेकिन पुलिस क्यों ढीली होती है? जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे खाए हैं, तो फिर पुलिस वालों को ये बताना चाहिए कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो अभी तक क्यों इन्होंने वो लड़के नहीं पकड़े हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त, नमस्कार।